गोरखपुर मंडल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सोमवार को विकास खंड खोराबार के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लहसणी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने ग्राम पंचायत लहसणी में निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आशा बहुओं, ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से समिति को मिलने वाले जरूरी संसाधन के संबंध में जानकारी हासिल की, साथ ही उनके कार्य की बारीकियों को बताया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने ग्रामीण क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के साथ कोविड पॉजिटिव मरीजों के घर पहुंचकर उनका हाल जाना। इस दौरान मंडलायुक्त ने कोविड पॉजिटिव पेशेंटों से दवाइयों और कोविड टेस्ट के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान मंडलायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन जहां पर भी है वो प्रभावी तभी होगी जब वहां ये चीजें हों, स्वच्छता सैनिटाइज हो, हर घर का सर्वे हो जाए, जहां निगरानी समितियों का बहुत बड़ा रोल है, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है और जो लोग चिन्हित हैं उनका सैंपल टेस्ट हो जाए। हम प्रयास करेंगे संसाधन और बेहतर हो जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, उसके बाद फिर एक गाँव में सब करके हम देखें आप सभी को सबसे पहले मैं नमस्कार। तो इसमें मुझे बताएं कि आप लोग को निगरानी समिति का जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत हो रही है जो आप चाहते हैं कि हम लोग के नोटिस में आए तो उसको बताएं। बेझिझक बताएं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप किसी की शिकायत कर रहे हैं। हम लोग एक परिवार की तरह बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपकी कोई समस्या है और हम लोग के नोटिस पर आएंगी, CDO गोरखपुर साहब हैं, CMO साहब हैं, आपकी BDO मैम है और भी लोग हैं, तो यदि कोई समस्या है तो उसको बताएं। यहाँ पे कितने पॉजिटिव केस हैं अभी? यदि कोई आप किसी और सर विटामिन सी है सर, आइवरमेक्टिन। तो ये दवा आप नहीं देते क्या यदि इसको बुखार है? देखिए ये मैं बता दूं, ये दवा कहीं भी बेच पीने का कोई प्रयास ना करे, खुद से प्रयास तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। ये दवाएं अलग से पता चल जाएंगी, इनकी दवाओं पर सीरियल नंबर भी है, ये CMO साहब सबको बता दीजिए। ये गवर्नमेंट मेडिसिन है, इसको कहीं प्राइवेट में बिक्री करते हुए पाया गया, जो बिक्री कर रहा है और जिसने बेची है दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि दवाओं का सदुपयोग होना चाहिए। यदि किसी के भी लक्षण हैं, उसको खांसी है, जुकाम है, जैसे यहीं पर कोई खांसी है, जुकाम है, गला खराब है, फीवर है, बदन में दर्द है, लूज मोशन हो रहे हैं, आप तुरंत ये दवा दे दीजिए कि ये शुरू करिए खाना और डॉक्टर को सूचित करिए। ठीक है, सैंपल जांच यदि किसी की करानी है तो कैसे कराते हैं बताइए भाई? किसी को बुखार है तो उसकी सैंपल जाँच करानी है तो कैसे कराएंगे? बस वही जैसे कि कोई करवाएंगे फिर उसके बाद जैसा रिपोर्ट में आया था उसके बाद। देखिए राधा दहन की वहाँ पर लोग जाएं। नहीं सर वो तो हाँ ये मैडम जो टीम है ये जो आपकी टीम है उसको आप आशाओं से यदि डेली एक कोऑर्डिनेशन रखें तो आप अपनी जो टीम है उसको घुमा घुमा के भेजते रहे, चार गांव के बीच में एक टीम लगा दिया। हो रहा है सर, यहाँ कई बार होता है। सिवान का बिहार का राज्य का।
कौन सा घर है यही? तो कब आप संक्रमित हुए थे? 6 मई को। तब तक तो आप निगेटिव हो गए होंगे? हाँ सब, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आ गया तो फिर आइसोलेट होना पड़ा। वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर का सब निगेटिव। तो गांव में निगरानी समिति कौन है यहाँ पर? अब देखिए, हाँ सब मिल गई थी समय से, हाँ मिल गई थी, प्रयास करने पर। वहीं पर मिली थी कि यहाँ पर मिली? नहीं नहीं सब, जो हम मैंने फ़ोन किया तो दवा आई, दवा एक बार तो मंगवाए थे, दूसरी बार अब क्या बताऊँ, अब तो राजेश है वहाँ पोस्टेड है, कहना ठीक नहीं है, अब अधिकारी कमिश्नर, उन्होंने कुछ ऐसा बात किया तो हमने DM कंट्रोल रूम को फोन, तो फिर उन्होंने वहाँ बात किया तो हमको दवा। चलिए बहुत अच्छा किया आपने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। जब 1 घंटे के लिए निकल जाइए, जिस साइड निकले उस साइड कर लीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दवा नहीं मिले। दवा का फ़ायदा हुआ है ऐसा लगता है? नहीं जी जी, फिर हमको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, लेकिन फिर भी दवा हमको मिली। इनके घर के आसपास के लोगों को भी कराया गया? यहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं है कोई? देखिए कंटेनमेंट जोन जहाँ पर भी है उसको प्रभावी तभी होगी जब वहाँ 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो स्वच्छता सैनिटाइज हो, हर घर का सर्वे हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है, और इसमें निगरानी समितियों का बहुत रोल है, स्वास्थ्य विभाग का बहुत रोल है, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट का बहुत रोल है, क्योंकि वो आसपास के सभी लोग जो हैं और जो चिन्हित लोग हैं उनका सैंपल टेस्ट हो जाए। तो इसी के लिए कहा गया है और हम प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को और सुधार करें।